Subscribe and press the bell icon for latest update. देख रहे हैं SPNI News में काशिफ अली। लगातार जिस तरीके से खबरें आती रहती हैं कि हमारे सैनिकों पर, हमारे शहीद, हमारे जवानों पर हमले हो रहे हैं, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाले हैं। लेकिन जो जम्मू के सुंजवा में जो आतंकी जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उसमें एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो अल्पसंख्यक समुदाय पर, एक धर्म विशेष समुदाय पर उंगली उठाते रहते हैं, जो उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाते रहते हैं। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है। पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर वहां जम्मू के सुंजवा में हुआ क्या है। जम्मू के सुंजवा में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें करीब हमारे 5 जवान शहीद हो गए। हालांकि हमारी सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मनों को, उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये बातें देश में देखने को मिलती रहती हैं, लगातार एक अल्पसंख्यक समुदाय पे सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं, मैं आज आपको उस खबर से रूबरू कराऊंगा कि आखिर वो देशभक्ति अगर देखनी है तो इन 5 जवानों के नामों से देखिए। इन आतंकी हमले में 50 साल के JCO मदनलाल चौधरी और सेना के जवान मोहम्मद अशरफ, हबीबुल्ला कुरैशी, मोहम्मद इकबाल और मंजूर अहमद शहीद हो गए हैं। यानी जाहिर सी बात है कि जो जिस तरीके की राजनीति देश में होती है, वो एक अलग तरीके का अपना हो जाता है। मैं आपको एक खबर से रूबरू करा देता हूं कि जम्मू कश्मीर में सुंजवा आर्मी कैंप पर आतंकी हमलों में शहीद हुए किसी जवान के घर पर चीख पुकार मची है तो किसी के घर मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। सुंजवा में आर्मी कैंप पर हुए हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। हमले के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। इस आतंकी हमले में 50 साल के JCO मदनलाल चौधरी, सेना के जवान मोहम्मद अशरफ, हबीबुल्ला कुरैशी, मोहम्मद इकबाल और मंजूर अहमद शहीद हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम का भेद करने वाले जरा इन नामों को गौर से देखने कि इन 5 शहीदों में 4 मुस्लिम हैं। यानी शहीद होने वालों में 5 जवान जम्मू कश्मीर के ही थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रहने वाले JCO मदनलाल चौधरी के घर जैसे ही उनकी शहादत की खबर पहुंची तो मातम छा गया। शहीद मदनलाल के पड़ोसी पाकिस्तान के प्रति सरकार के रवैये से खासे नाराज हैं। घाटी के कुपवाड़ा जिले के जवान मोहम्मद अशरफ भी इस हमले में शहीद हो गए हैं। अशरफ के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के मोहम्मद अशरफ की शहादत पर नाराज है तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मसले का हल बातचीत से निकले। कुपवाड़ा जिले के बटपोरा गांव में रहने वाले हबीबुल्ला कुरैशी ने भी देश के लिए जान कुर्बान कर दी। तो वहीं हबीबुल्ला कुरैशी अपने बूढ़े माँ बाप के इकलौते बेटे थे तो अपने पीछे 6 बेटियों को छोड़ गए हैं। यानी जिस तरीके के ये जो सामने आई है, जो जवान शहीद हुए हैं, हालांकि जवान जो शहीद होता है वो देश के लिए शहीद होता है, उसके लिए अपना धर्म कोई सर्वोपरि नहीं होता, उसके लिए देश सर्वोपरि होता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो तस्वीर निकल कर आई है कि 5-4 जवान जो हैं वो एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते थे, तो ये अपने आप में एक गर्व करने वाली बात है कि इस देश के लिए सभी अपनी जान दे सकते हैं, अपनी जान निछावर कर सकते हैं, क्योंकि ये देश सबका है। क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इस देश को आज़ाद कराने में कोई ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की भूमिका रही थी। इस देश को आज़ाद कराने में सभी का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा था, चाहे वो किसी भी धर्म से, जाति से ताल्लुक रखता हो। हमने देखा कि जब आज़ादी के बाद से लगातार ये बात सामने आती रही और ख़ास करके इन 4 और 5 सालों में ये तस्वीर सामने निकल कर आई है कि कुछ जो है वो ये बात के सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप देश में कितने देशभक्त हैं, क्योंकि देशभक्ति का पैमाना आप इस चीज़ से नहीं नाप सकते कि देशभक्ति जो है वो सिर्फ हम दिल में, हम जबाँ पे कोई देश का राष्ट्र गीत गाएं या हाथ में तिरंगा लेकर चलें। देशभक्ति यही नहीं होती है। देशभक्ति वो होती है जो आदमी देश के लिए दिल से अपनी जान
देने की हम कह सकते हैं कि हिम्मत रखता है, और जिस तरीके से इन चार लोगों ने अपने देश के लिए जान दी है वो वाकई में उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, उन राजनीतिक कारों पर तमाचा है जो इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं कि उनको बताना चाहिए कि इस देश के लिए हर कोई अपनी जान दे सकता है चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। लेकिन लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों सरकार जो है हालांकि उनके जो परिवार हैं, जो उनके जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उनके परिवारों को लगातार सरकार के खिलाफ गुस्सा है कि सरकार का पाकिस्तान के खिलाफ जो ढीला रवैया है लगातार जो है वो ये बात कही जाती रहती है कि निंदा की करेंगे, कड़ी निंदा करी जाती है और फिर उसके बाद कोई भी तस्वीर सामने निकल कर नहीं आती। हमेशा से एक सरकार का रुख ये रहा है कि वक्त आने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसे में वो वक्त कब आएगा इसका हर एक देशवासी इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारी सरकार हो या हमारी सेना हो अपने आप में इतनी मजबूत है कि हम किसी से भी लोहा ले सकते हैं, और जिस तरीके से लगातार हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है वो काबिले मजम्मत है, और काबिल और इसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो वाकई में बहुत कड़ी निंदनीय है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रुख है और जिस तरीके से अगर हम मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार में तो लगातार ये लचर रवैया सामने आता रहा है। अगर हम पीएम मोदी की खुद की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान जाकर इस बात की कहीं ना कहीं ये बात साबित करने की कोशिश की थी कि वो पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते बना लेंगे, हालांकि इधर हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है, उधर पीएम मोदी जो है वो पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के माता जी के पैर छूते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके की राजनीति होती है, और देशवासी अपने आप में सवाल पूछते हैं कि आखिर वो मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा। और जिस तरीके से ये जो तस्वीर निकल कर आई है ये उन राजनीतिक कारों पर एक तमाचा है, ये उन लोगों के ऊपर एक सवाल है कि जो एक दूसरे के ऊपर देशभक्ति के हम कह सकते हैं कि सवाल खड़े करते रहते हैं कि आप जो है वो सच्चे हिंदुस्तानी नहीं है, आप सच्चे हिंदुस्तानी, तो ऐसे में जो तस्वीर निकल कर आई है वो अपने आप में बेहद अच्छी है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों से लगातार जो है वो कोई ना कोई हमले हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि नफ़रतों से कभी भी हमें नफ़रतों से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। हमेशा से भारत ने जो है अपने पड़ोसी मुल्क के लिए एक कदम आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और एक तरफ आगे बढ़कर हमने हमेशा से अपने पड़ोसी देश को सर्वोपरि रखा है कि नहीं, हमें अपने पड़ोसी देश से रिश्ते मधुर रखने चाहिए, बेहतर रखने चाहिए। लेकिन लगातार पड़ोसी देश हमारा नापाक हरकतें करता रहता है, इस तरीके की हरकतें करता रहता है कि जिससे हमारे देश की आस्था और अस्मिता पे ठेस पहुंचती है, और फिर उसके बाद जब हमारा देश जो है हालांकि बहुत हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार हो या हमारी देश की जनता हो वो वाकई में हम काबिले तारीफ है कि वो जिस तरीके से एक सब्र रखती है कि वो नहीं, वो लगातार ये बात को देखती है कि शायद मौका देती है कि सामने वाला सुधर जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान का की तरफ से जो बयान आया है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इसमें हमारा हाथ नहीं है, अगर आपका हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है इसमें। जाहिर सी बात है कि जवानों की, पांच जवानों की, हमारे जवान शहीद हुए हैं और हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं होनी चाहिए, हमारे जवान जो है वो एक एक जवान जो है उनके परिवारों का हाल देखिए। हालांकि अगर हम इससे हटकर बात करें तो हमारे जवानों के परिवारों की अगर हम गौर करें तो उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। थोड़े वक्त तक जब तक हमारे जवान शहीद होते हैं, एक या दो दिन तक जो है वो काफ़ी कुछ उसमें रहता है, सोशल मीडिया पर रहता है, लोग देशभक्ति जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दो तीन दिन बाद सब भूल जाते हैं कि कौन सैनिक शहीद हुआ था और वो सैनिक के परिवार का क्या हाल है। तो ऐसे में हमारे और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस हर एक सैनिक जो शहीद हुआ है उसके परिवार का हालचाल पूछें, उसके गांव जाएं, अगर हम उसके आसपास क्षेत्र हैं जाकर पता करें, उसकी मदद करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सरकार
कोशिश तो करती है लेकिन सरकार उस तेजी से काम नहीं दिखा पाती है जिस तेजी से काम दिखाना चाहिए। तो ऐसे में जिस तरीके से 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 जवान शहीदों में कहीं ना कहीं उनके परिवारों पर एक जो हम कह सकते हैं कि कहर टूट चुका है, तो उसमें ज़रूरत है कि हमारा देश उनके साथ खड़ा रहे। हालांकि सरकार ये बात कहती रहती है कि हम अपने जवानों के परिवारों के साथ, अपने सैनिकों के साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन सरकार का ये लचर रवैया खास करके पड़ोसी देश के लिए ये सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है कि आखिर ये कब सरकार की नींद जागेगी और सरकार कब इस नींद से उठकर एक बड़ा कदम उठाएगी ताकि हमारे जो रोज रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आखिर इन पर कब तक इस तरीके की चीजें रुकेंगी। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, मैं फिर हाजिर हूंगा एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPNI News। नमस्कार।